हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टैली ईआरपी 9 के। आज के चैप्टर में हम सीखेंगे टैली को स्टार्ट कैसे करते हैं, टैली में कंपनी किस प्रकार बनाते हैं, साथ ही हम सीखेंगे टैली को बंद कैसे करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सीख लेते हैं टैली को स्टार्ट कैसे करते हैं। जब भी हम अपने लैपटॉप या पीसी में टैली को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर जो है टैली ईआरपी 9 का शॉर्टकट बन जाता है। उस शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके आप टैली को स्टार्ट कर सकते हैं। आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपका जो टैली ईआरपी 9 का सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो जाता है। यदि कभी बाय चांस ऐसा हो कि आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आपको टैली का आइकन ना मिले तो आप उसे दूसरी तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टैली को दूसरे तरीके से स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे आ जाना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आल प्रोग्राम में जाना होगा। आल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पर टैली ईआरपी 9 का जो है मेन्यू मिल जाता है। टैली ईआरपी 9 के मेन्यू में जाने पर आपको यहाँ पर टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और टैली ईआरपी 9 पर क्लिक करने के बाद आपका टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आप टैली ईआरपी 9 को स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब हम सीख लेते हैं टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ F3 बटन को प्रेस करना है, या फिर आपको यहाँ पर राइट साइड में कंपनी इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके भी आप कंपनी को बना सकते हैं। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। कंपनी इन्फो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने कंपनी इन्फो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे और जैसे जैसे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं उसका कोई ना कोई एक लेटर जो है रेड कलर में हाईलाइट हो जाता है। रेड कलर में हाईलाइट होना ये दर्शाता है कि वो लेटर जो है उस ऑप्शन का शॉर्टकट है। तो आप उस लेटर को प्रेस करके भी उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अब हमें जैसे कि हमें क्रिएट कंपनी पर जाना है तो मैं कीबोर्ड के डाउन एरो से उस पर हाईलाइट करूँगा। तो आप यहाँ देखेंगे जो क्रिएट कंपनी का हमारा सी जो है हाईलाइट हो चुका है, तो हम कीबोर्ड से सी बटन को प्रेस करके कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से कंपनी क्रिएशन का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमसे कुछ डिटेल मांगी जा रही है, इसको हमें भरना होगा। तो चलिए भरना सीख लेते हैं क्या क्या हमें भरना है। सबसे पहला जो कॉलम आ रहा है वो नेम का है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम डालना होगा। हम यहाँ पे कोई भी एक कंपनी का नाम डाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया सोहन ट्रेडर। और जैसे ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना हो आपको कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करते ही आप देखेंगे जो हमारा दूसरा ऑप्शन है मेलिंग नेम का, वहाँ पर भी वही नाम आ गया जो हमने ऊपर दिया था। आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसे यही रहने देता हूँ। एंटर बटन दबा के हम अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है, मैं फ़िलहाल ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आने के लिए हमें एंटर बटन को प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कंट्री, आपकी कंपनी जिस भी कंट्री की हो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारी जो कंपनी है वो फ़िलहाल इंडिया की है तो हम इंडिया ही रहने देते हैं। एंटर बटन दबा के नेक्स्ट करते हैं। अब हमें जहाँ भी हमारी कंपनी है उस कंपनी का स्टेट यहाँ पर हमें डालना है, तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही कुछ ले लेता हूँ। कंपनी का आपको पिन कोड डालना है। एंटर बटन दबा के आप चाहें तो यहाँ फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसे छोड़ रहा हूँ। कंपनी का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आप फैक्स नंबर डाल सकते हैं।
यहाँ कंपनी का मेल आईडी डाल सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसे छोड़ रहा हूँ। यदि आपकी कोई कंपनी की वेबसाइट हो तो उसे आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला जो ऑप्शन है ये मेन होता है। पहला जो ऑप्शन है वो लिख कर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, तो आपको जो है एक जानकारी जो है ज़रूर पता होनी चाहिए। हमारे भारत में जो है जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू होता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी फाइनेंशियल ईयर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसे जैसा है इसे वैसा ही रहने देता हूँ। और अब हमें जब तक एंटर बटन प्रेस करना है, जब तक आपको कुछ इस तरह से एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स ना मिल जाए। आप देख सकते हैं अब हमारे सामने एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स आ चुका है, तो इसे एक्सेप्ट कराने के लिए हमें इसे कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी जो कंपनी है वो बनकर तैयार है। आइए अब हम टैली से बाहर आना सीख लेते हैं। टैली से बाहर आने के लिए आपको मैं दो तरीके बताता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से क्विट कर सकते हैं, क्विट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से आपसे क्विट पूछेगा, फिर से हम क्विट करेंगे, और यहाँ पर जो सबसे लास्ट में आएगा इसे आप यस कर दें या कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप टैली से बाहर आ जाएंगे। या फिर इसके अलावा आप कीबोर्ड से जो सबसे ऊपर आपको एक बटन मिल जाएगा ESC का, इसे एस्केप भी कहते हैं, इसे आप जब तक प्रेस करते रहें जब तक कुछ इस तरह से क्विट का डायलॉग बॉक्स ना आ जाए। डायलॉग बॉक्स जैसे ही आपके सामने आए आप कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करें, तो इस तरह से आप टैली से बाहर आ सकते हैं। आज के टैली ERP 9 के इस चैप्टर में हमने सीखा टैली को स्टार्ट कैसे करते हैं, टैली में कंपनी किस प्रकार बनाते हैं, साथ ही हमने सीखा टैली को बंद कैसे करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।